एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई सबॉर्डिनेट अपने सीनियर को बचाता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसा देखने में आता है जब कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर को बचाए। ऐसा ही एक इंसिडेंट टीकरी बॉर्डर पर 26 जनवरी को हुआ था, जब दो सीनियर अधिकारियों ने अपने एक जूनियर को भीड़ से खींच के बाहर बचाते हुए उनको निकाला है। वो दोनों ही अधिकारी इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सर, क्या इंसिडेंट हुआ था और कब की बात है? ये दिनांक 26 जनवरी की लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना होगी। नांगलोई चौक पर जब ये उपद्रवियों ने थोड़ा तांडव मचा रखा था, उस दौरान कुछ साथी हमारे छिटक कर भीड़ में पहुंच गए थे। कुछ फोर्स लगाकर उनको निकालने की कोशिश की गई, उनको बचाने की कोशिश की गई। तभी ये मालूम चला कि एक हमारा साथी जवान जो है उसको भीड़ ने पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, नजफगढ़ रोड की तरफ। तो उसको बचाने के लिए फिर जहां वहां जो अवेलेबल बल था उसको साथ में लेकर हम लोगों ने कोशिश करी। उस भारी विरोध के बावजूद भी उस तक हम पहुंचे, फिर उसको वहां से निकाल के लाने में भी कामयाब रहे। बहुत ही वीर और बहुत ही साहसी वो दिल्ली पुलिस का जवान है, और सुबह से ही सभी तमाम स्टाफ के साथ ड्यूटी उनकी भी रही। अलग अलग रोल्स उस दिन अदा किए गए दिल्ली पुलिस के समस्त जवानों के द्वारा जो नांगलोई पर पोस्टेड रहे, तो उसमें एक ये छोटी सी स्टोरी ऐसी भी है। और सर, आपके भी हाथ में जो है चोट लगी हुई है, क्या उसी दिन ये चोट लगी थी? ये काफ़ी अफसरों को जवानों को चोट लगी है, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, वो एक पथराव था, उसी दौरान मेरे को भी कुछ इंजरी हो गई। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम डटे रहे एंड तक, और जब तक ये पॉसिबल हुआ हमने उनको निर्धारित रास्ते पे जो जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कोशिश की कि उनको उसी पर भेजा जाए, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट। शुक्रिया सर। तो ये आपने सुना, ये एडिशनल डीसीपी आउटर हैं और ये एडिशनल डीसीपी साउथ हैं। दोनों ने ही 26 जनवरी को अपने एक जूनियर को भीड़ से बचाया था, जब भीड़ काफ़ी तादाद में थी और हिंसक हो चुकी थी, पुलिस पर हमला भी कर रही थी। खुद इसमें एडिशनल डीसीपी आउटर सुधांशु धामा के भी हाथ में चोट लगी है, और इससे पहले खुद जो हेड कांस्टेबल हैं मनोज, उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही है कि ऐसे सीनियर अधिकारी बहुत कम होते हैं जो अपने जूनियर को जान पर खेल के बचाएं। ऐसा ही उदाहरण इन दोनों ही आईपीएस अधिकारियों ने दिया है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।